लेकिन अभी माहौल देश में क्या है जो चेंज वाली बात आप कर रहे हैं के शर्मा जी, सवाल ये है, वो जो चेंज वाली बात कर रहे हैं उन्हें लग रहा है वो माहौल है, आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा जनता की आवाज है ये। नहीं तो क्या पहले जनता चुनाव नहीं लड़ती थी, चुनाव वोट नहीं देती थी? इनके घर वाले मुलायम सिंह पहले खानदान वोट करता था, देश की जनता ही वोट करती थी। अब दो चुनाव नहीं, चार चुनाव हार चुके हैं। यही आठ है, इनको थोड़ा आपने गलत बताया, चार चुनाव हार चुके हैं समाजवादी पार्टी और इसी बुरी गति से हारे हैं। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठ के ऊंची ऊंची डिंगे हांक रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि 543 सीटें हैं देश में, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 में से 60 सीटें भी लड़ने की जिसकी हैसियत नहीं है वो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है मध्य प्रदेश में हरा रहा है, यहाँ हरा है, जहां इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और ये हमें हरियाणा हरा रहे हैं, हमको मध्य प्रदेश हरा रहे हैं। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो टीवी में यार, आप इतनी सीट नहीं लड़ पाते हैं, 10% सीट नहीं लड़ रहे हैं देश का और सरकार बना रहे हैं, तो हंसी आती है इनकी बातों पर। दूसरी बात, अभी मैं एक सुन रहा था कांग्रेस के जो समर्थक वो बैठे, पीड़िता ने नहीं बोला। अरे भाई उस दिन रात को 100 नंबर को किसने फोन किया? उस दिन 100 नंबर हवा में किसी भूत ने आके फोन किया था, वो तो स्वाति मालीवाल ने किया ना नम उसमें। इसके बाद थाने कौन गया? वो स्वाति मालीवाल ही गई ना, कि उसकी भूत गई थी, तो पीड़िता वहां नहीं गई थी क्या? और क्या करेगी वो? इसके बावजूद एक सीएम जिसका ड्राइंग रूम है, जिसका घर है, पूरी पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो उस घर का मालिक है, वो है केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल। देश को स्पष्ट होना चाहिए कि हुआ क्या था वहां पर, क्यों मारा गया इस महिला को वहां पर। और ये बात संजय सिंह है, उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकारा कि हाँ उनके साथ अभद्रता की गई और भाई इस व्यक्ति ने किया। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? अब वो आके बाहर में कहे कि हाँ मेरे को यार थप्पड़ पीटा। देखिए के शर्मा जी, बीजेपी इस पूरे मामले पर बहुत हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है? स्मृति ईरानी का अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला है, सुन लीजिए जरा एक बार, एक बार मैं चलवा दूं जरा। केजरीवाल के घर महिला का अपमान हुआ है, इतना निंदनीय है, इतनी चेतन चलाइए जरा। केजरीवाल के घर महिला का अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट रुक जाइए, महिला का अपमान करने वाले केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं, महिला का अपमान करने वाले केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी का हमला आया है, स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर हमला बोला है, केजरीवाल के घर के अंदर महिलाओं का अपमान होता है, जरा सुना दीजिए क्या कह रही स्मृति ईरानी, उसके बाद में से आगे बढ़ाओ। केजरीवाल क्या कहें, चूंकि महिलाओं के बारे में वो अक्सर सवाल उठाते थे, लेकिन जिस तरह से सीएम ऑफिस में जो महिलाओं के हक की बात करती है उन्हीं महिला के बारे में इस तरह से हुआ, क्या कहें? देखिए जो महिलाओं को मारपीट करते हैं वो तो उनके साथ घूमते हैं, तो उनसे पूछिए सवाल जी। अब मेरा सवाल ये है कि ये मुद्दा जब संजीव जी बाहर आए हैं, अभी के शर्मा जी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल अभी बाहर आए हैं, उनके पास कम समय है जिसमें उन्हें प्रचार के लिए बाहर बेल मिली है, उस प्रचार में आते ही बाहर ये मुद्दा आ गया और अब बीजेपी हमलावर है, ऐसे में तो और फूंक फूंक कर कदम लेना चाहिए था, वो क्यों लेकर घूम रहे थे साथ में ये समझ नहीं आया, क्योंकि उससे संदेश गलत जाता है और वो संदेश गलत गया है, अब बीजेपी आप पर फिर हमलावर है, कैसे बचेंगे? और उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा जो गठबंधन में है साथ। सुचेता शुक्र है कि स्मृति ईरानी जी कम से कम जुबान तो खोली, राहुल गांधी को कोसने के अलावा किसी और मुद्दे पर तो बोलते हुए हमने नहीं देखा पिछले कुछ वर्षों से, लगातार वो संदेश खाली पर बोलना हो तो मुखर होती है, लेकिन मणिपुर में चुप्पी साध जाती है, वो दिल्ली में चुप्पी साध जाती है, उत्तर प्रदेश के कई घटनाओं पे चुप्पी साध जाती है, तो आज उनको मौका मिला है, किसी ने पूछ लिया तो दो लाइन उन्होंने बोल दिया, जाहिर सी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सचमुच में यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है तो समाज के हर एक उस वर्ग की महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, तब आप बेहतर नजीर पेश कर पाते हैं। लेकिन आप चुनिंदा केवल राजनीति करने के वजह से भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा अभी समय चली गई। सर मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं, मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए, मैंने मान लिया राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसकी जिम्मेदारी नहीं समझ आती कि जिस पर आरोप लग रहा है आप उसे साथ साथ लेकर घूम रहे हैं? मैंने फिर कहा कि जिम्मेदारी समझ में नहीं आती कि जिस महिला को आरोप लगाना चाहिए वो आरोप लगाए, चली गई, बोले तो सही, उसकी चर्चा नहीं कर रहा, जिस महिला चर्चा कर रहे हैं कि वो
वहाँ पर आरोपी को साथ लेकर घूम रहे हैं। चर्चा जिस महिला के ऊपर इस तरह की बातें हो रही है, वो महिला दो लाइन बोले तो सही पूरा हिंदुस्तान। नहीं बोलेंगी तो आप आरोपी को साथ लेकर घूमते रहेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगी, नहीं आती अगले दो दिन, घर परिवार अगले दो दिन नहीं आएंगी बाहर की बातें। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात, अगले दो दिन नहीं आएंगी बाहर। तो जिस पर आरोप लगे हैं, जिसके लिए संजय सिंह आकर कह रहे थे अवधेश जी, वो कह रहे थे कि हम एक्शन लेंगे, अरविंद केजरीवाल खुद एक्शन लेंगे, उन्हें साथ लेकर घूमते रहेंगे। ये तो बेसिक चीज है और पार्टी के अंदर एक बेसिक कार्रवाई तो यही थी। आप लगातार कहीं आग है ही नहीं, आप पेट्रोल डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उत्तर देने के पहले सुनिए, सबसे पहला यह है कि इनके 11 राज्यसभा सांसद में एक महिला है, उसी से त्याग पत्र दे करके अभिषेक मनु सिंह भी को राज्यसभा में भेज दिया। आपको स्पेशल ये बात है तो सारे मीडिया में खबर है, चारों तरफ स्पेशल खबर आपके पास है, ये भी आएगा ना, सब सामने आएगा कि आपको एक महिला को आपने बनाया है, उसी महिला को आप दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही भाई आपके नकारने से देश के सारे अखबारों ने, सारे वेबसाइट ने, सबने यही खबर लिखी है, सबने यही खबर लिखी है। अब मैं सारे पत्रकारों की खबर को नकार दूं और फिर उसके पास स्पेकुलेशन है, थाने में जाने के बाद फोन आता है, फोन में उस पर क्या दबाव है कि वो महिला पुष्टि की। भाई सुनिए, आप बीच में भाई इतना तो स्पष्ट है ना कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया कि उनके साथ बदतमीजी हुई, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसको आप क्यों नकारते हैं? बदतमीजी क्यों हुई, उसके कारण भी होंगे, ऐसे तो नहीं हुई होगी, तो कारण क्या है? तो देश में काम करने वाले जो पत्रकार हैं, दिल्ली कवर करने वाले, सब ने यही लिखा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को एक सीट राज्यसभा की देनी थी, उनके साथ डील थी कि हमको छुड़ाओ, और उसके लिए स्वाति मालीवाल को कहा गया था कि आओ, फिर वो आई थी, उसको त्याग पत्र देने के लिए कहा गया, उसके लिए वो तैयार नहीं हुई। तो आप एक महिला को भेजते हैं, उससे आप त्याग पत्र लेते हैं, उस न देती है तो उसके साथ मारपीट होती है, कहानी बड़ी पर दबाव बनाते हैं कि आप जो है बयान बाहर मत दो, बाहर मत निकलो, और फिर कहते हैं कि वो बयान देने नहीं आ रही है। इससे भयावह परिस्थिति, इससे शर्मनाक परिस्थिति क्या हो सकती है? अच्छा मैं एक बार इसी चीज पर अनुराग जी से रिएक्शन लेती हूँ। अनुराग जी, क्या ये सही है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेताओं की थी, उस पर एक तरह से कैसे पानी फिरता है वो आज दिखा कि जब पूरी मीडिया ने, सबने विभव कुमार की तस्वीरें चलानी शुरू की, तो इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से भी, जिसमें समाजवादी पार्टी आती है, आज तो अहम दिन था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि इस व्यक्ति के साथ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उससे छवि खराब हो रही है और वो पूरे इंडिया गठबंधन पर हो रही है। देखिए, अब देश की मीडिया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये सब जानते हैं। आपको भी हम स्वतंत्रता 4 जून के बाद में मिल जाएगी, जो मीडिया की स्वतंत्रता जो दबाई गई है, दबाई जा रही है, वो भी बेचारे घुटन महसूस करते हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से अपनी न्यूज़ चला पाएंगे। सवाल यह है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि समाज के अंदर में बेरोजगार परेशान है कि उसको कैसे बेरोजगारी दूर हो, इस पे बात करते ही नहीं है, इस पे कहते रहे ये क्या बेरोजगारी, क्या मुद्दा है? आप क्यों करते हैं क्वेश्चन? महंगाई क्या मुद्दा है? बोले नौकरी, नौकरी क्या मुद्दा है? आप अपनी बात पे आ जाते हैं। किसान क्या मुद्दा है? अरे भैया यही तो मुद्दे हैं। अरे सुन लीजिए, मैं अपनी बात भी कहूंगा, मैं जनता की बात। आप इतनी देर से कह रहे हैं, क्वेश्चन को डक क्यों करते हैं? स्वाति मालीवाल पर क्यों नहीं बोलते? इस देश में संविधान, सुनिए, इस देश में आप चिल्ला क्यों पड़े? आप इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है, संविधान और न्यायपालिका, कानून पे विश्वास रखिए। इस पे विश्वास नहीं है क्या कि हम आप पे विश्वास कर लें और अपने हिसाब से कि क्या हुआ ड्राइंग रूम में, कहां मुझे किसको डिजाइन करवा रहे थे, तो ये इस पे विश्वास कर लें? संविधान न्यायपालिका कानून छोड़ दें सब। अरे भैया, जहाँ पे किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान की एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, उस पर चर्चा करें कि हम अंदाजा कुछ भी बोलते रहे, हम उस पर चर्चा करें कि जो सामने देखने को मिला है कि छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है, कि हम उस पर चर्चा करें जिस बात में कुछ दमी नहीं है? अनुराग जी, हम उस पर चर्चा करें जिस चर्चा को सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ या पहलवान महिलाओं के साथ हुआ, जिस तरह से अमेठी में वोट मांगा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप ये बातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन पर भी डिबेट्स हुई है, तो उसमें तो खुलकर आप जोर जोर से बोलते हैं। आज जब मैं स्वाति मालीवाल पर पूछती हूँ तो आप वापस उन्हीं पर जाते हैं, स्वाति पर नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, जैसे हमने पोल खोलने शुरू किया, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। समस्या ये है कि जब आप जोर जोर से बोलते हैं तो आपकी ही पिच पे कोई जवाब देता है तो आप बौखला से जाते हैं।